हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल वायलॉजी टाइम्स में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ मेडिसिन यील्डिंग प्लांट यानी कि औषधियां प्राप्त करने वाले पौधों के नाम और उनके वैज्ञानिक नाम, और साथ ही साथ वे किस फैमिली के अंतर्गत आते हैं, यह सब इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे और बात करते हैं कुछ औषधियाँ प्राप्त करने वाले पौधे यानी कि मेडिसिन यील्डिंग प्लांट के बारे में। तो दोस्तों, नंबर एक पे है इस पर गंधा को इंग्लिश में भी इस पर गंधा ही कहा जाता है। तो दोस्तों, इस पर गंधा का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, रावोल्फिया सर्पेंटाइना। क्या है? रावोल्फिया सर्पेंटाइना। तो दोस्तों, इस पर गंधा जो है किस फैमिली के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, इस पर गंधा जो है एपोसाइनेसी फैमिली का मेंबर है। किस फैमिली का? एपोसाइनेसी। नेक्स्ट यानी कि नंबर दो पे बात करते हैं बेलाडोना। बेलाडोना का भी दोस्तों इंग्लिश नेम भी बेलाडोना ही कहा जाता है। तो बेलाडोना का जो है बोटेनिकल नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या है? एट्रोपा वेलाडोना। क्या है? एट्रोपा बेलाडोना। एक किस फैमिली का मेम्बर है? तो बेलाडोना जो है सोलेनेसी फैमिली का ही मेम्बर है। नेक्स्ट यानी कि नंबर तीन पे बात करते हैं अश्वगंधा। अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? अश्वगंधा का दोस्तों वैज्ञानिक नाम है विथेनिया सोमनीफेरा। क्या है? विथेनिया सोमनीफेरा। यह किस फैमिली का मेंबर है? तो दोस्तों, विथेनिया सोमनीफेरा भी सोलिनेसी फैमिली का ही मेंबर है। किस फैमिली का? सोलिनेसी फैमिली का। नेक्स्ट नंबर चार पे बात करते हैं। नंबर चार पे दोस्तों अफीम यानी कि ओपियम। ओपियम, ओपियम का जो वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? ओपियम का वैज्ञानिक नाम है पेपावर सोमनीफेरम। क्या है? पेपावर सोमनीफेरम। यह किस फैमिली का मेंबर है? तो दोस्तों, अफीम जो है यह पेपा विदेशी फैमिली का मेंबर है। किस फैमिली का? पेपा विदेशी। नेक्स्ट यानी कि नंबर पाँच पे है क्यूनीन। क्यूनीन का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, क्यूनीन का वैज्ञानिक नाम है सिनकोना ऑफिसिनेलिस। क्या है? सिनकोना ऑफिस नेलिस। यह किस फैमिली का मेंबर है? तो दोस्तों, जो क्यूनीन जो है रूबिएसी फैमिली का मेंबर है। किस फैमिली का? रूबिएसी फैमिली का। नेक्स्ट नंबर छः पे बात करते हैं आंवला यानी कि इम्बिक। इम्बिक यानी कि आंवला का जो वैज्ञानिक नाम है क्या होता है? एम्बेलिका। क्या होता है? एम्बेलिका ऑफिस नेलिस। क्या होता है? एम्बेलिका ऑफिस नेलिस। यह किस फैमिली का मेंबर है? तो दोस्तों, अम्बेलिका ऑफिशियली जो है यूफोरबिएसी फैमिली का मेंबर है। किस फैमिली का? यूफोरबिएसी। नेक्स्ट नंबर सात पे बात करते हैं। नंबर सात पे दोस्तों धतूरा यानी कि थॉर्न एप्पल। तो थॉर्न एप्पल यानी कि धतूरे का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है धतूरा स्ट्रोमोनियम। क्या होता है? धतूरा स्ट्रोमोनियम। यह किस फैमिली का मेम्बर है? तो दोस्तों, धतूरा जो है सोलनेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट यानी कि तुलसी के बारे में बात करें। तुलसी यानी कि होली वेसल। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका वैज्ञानिक है ओसिमम सनकटम। क्या है? ओसिमम सनकटम। यह किस फैमिली के अंतर्गत आता है? तो तुलसी जो है दोस्तों लेमिएसी फैमिली का मेंबर है। किस फैमिली का? लेमिएसी फैमिली का। नेक्स्ट नंबर नौ पे है एफेड्रा। एफेड्रा का जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है एफेड्रा जिरार्डियाना। क्या होता है? एफेड्रा जिरार्डियाना। यह किस फैमिली का मेंबर है? तो दोस्तों, एफेड्रा जो है इफिड एसी का मेंबर है। किस फैमिली का? इफिड रेसी फैमिली का मेंबर है। नेक्स्ट नंबर दस पे है एलोवेरा। घृतकारी भी कहा जाता है इसको। एलोवेरा का जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है एलो वार विदेंसिस। क्या होता है? एलो वार विदेंसिस। यह किस फैमिली का मेंबर है? तो दोस्तों, एलोवेरा जो है एस्फोडिनेसी फैमिली का मेंबर है। किस फैमिली का? एस्फोडिनेसी फैमिली का मेंबर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लहसुन के बारे में यानी कि गार्लिक। गार्लिक का जो वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों होता है एलियम सेटाइवम। क्या होता है? एलियम सेटाइवम।
यह किस फैमिली का मेंबर है? तो लहसुन जो है दोस्तों लिलिएसी फैमिली का मेंबर है। नेक्स्ट नंबर 12 पे बात करते हैं, अदरक यानी कि जिंजर। जिंजर का जो वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों, जिंजर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जिंजर का वैज्ञानिक नाम होता है जिंजिवर ऑफिस नेल। क्या होता है? जिंजिवर ऑफिस नेल। ये किस फैमिली का मेंबर है? तो दोस्तों जिंजर जो अदरक जो है वो है जिंजी विरेसी फैमिली का मेंबर है। किस फैमिली का? जिंजी विरेसी फैमिली का मेंबर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली हमारी वीडियो आपको जल्दी मिले।